हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ इंडिया की नंबर वन ट्रस्टेड मोटरसाइकिल, जिसके 1994 से अभी तक में 4 करोड़ यूनिट हीरो बेच चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में। और हीरो ने अभी रिसेंटली इस मोटरसाइकिल का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है, जो कि है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। और इसमें इन्होंने दिए हैं भर भर के फीचर्स, और आज इसी का रिव्यू करने वाले हैं अपन। और रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगा हीरो शिवा मोटर्स को, जिनकी वजह से ये रिव्यू पॉसिबल हो पाया है। अगर आप लोगों को गाड़ी देखना है तो इनकी मैंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अपॉइंटमेंट बुक करिए और गाड़ी देखिए, और अगर पसंद आती है तो जरूर लीजिए। और चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले करते हैं इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड, और इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी। और इसके कलर स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि है स्पार्कलिंग बीटा ब्लू, कैनवस ब्लैक और टोर्नाडो ग्रे और पर्ल वाइट। और जो अभी आप देख रहे हो ये है टोर्नाडो ग्रे मॉडल। और अब चलिए बात करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको मिलता है हैलोजन हेडलैम्प, और ऊपर की तरफ आपको कुछ दिख रहा होगा, तो इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये है LED हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप, और जो कि बहुत ही आइकॉनिक लग रहा है, और ये काफ़ी जो लुक है इस मोटरसाइकिल का इन्हेंस कर रहा है। और ऊपर की तरफ आपको जो है ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये अपडेटेड ग्राफिक्स इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, और साथ में ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि आता है आपका IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। एंड आ जाते हैं टैंक के सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको हीरो की 3D ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और ये ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो इसकी कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर्स की है। और यहाँ पर साइड पैनल में देखें तो यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस की 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और यहाँ पर आपको i3S की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और ये कैरियर देखने को मिल जाता है, और साथ में ही आपको पीछे बल्ब टाइप की टेल लाइट देखने को मिल जाती है, और अगेन बल्ब टाइप के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। तो जो इसका लुक है वो पहले से बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये जो पेंट स्कीम आपके सामने दिख रही है ये आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन। इस मोटरसाइकिल के मेन USP के बारे में बात करें तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग इसके कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फुली डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलते हैं। और फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको SMS कॉल और बैटरी लेवल्स के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और साथ में इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सर्विस रिमाइंडर, टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम, इंजन मैल फंक्शन लाइट, i3S का इंडिकेटर और न्यूट्रल गियर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर जैसी बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो है फर्स्ट इन सेगमेंट, मुझे ये जो मीटर है बहुत ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा है, और बिलीव नहीं हो रहा है कि इस मोटरसाइकिल में इतना बढ़िया सा डिजिटल यूनिट दिया हुआ है। और इसकी जो रीडेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको रीड करना काफ़ी आसान है। और जिस तरह से इसमें फ़ीचर लोड किए गए हैं ना, तो उसके लिए मानना पड़ेगा यार हीरो ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसका जो कंसोल है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको i3S का बटन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना फ्यूल सेव कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है। और लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न के स्विच देखने को मिल जाते हैं। हॉर्न सुन लेते एक बार, तो हॉर्न इसका प्रेटी लाउड है। और यहाँ पर आपको USB चार्जर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और आप ऑन द गो अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। और ऊपर से आप इसका लुक देखिए, इस मीटर के साथ ये मोटरसाइकिल क्या कमाल की दिख रही है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया दिख रही है।
गाइस चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर जो इंजन आपको मिल रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, पहले वाला यही आपको आइकॉनिक इंजन देखने को मिलता है जो कि स्प्लेंडर प्लस में मिलता था। और इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5.9 किलोवाट की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ये 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ देखने को मिल जाता है जो अगेन बहुत ही अच्छी सेफ्टी फीचर है। और यहाँ पर आपको मेटल का चैन मिल जाता है जो कि चैन को कवर करके रखता है जिसकी वजह से चैन का जो मेंटेनेंस है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और इस पोर्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है। और उस तरफ चलते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ये मोटरसाइकिल आती है फ्यूल इंजेक्शन के साथ जो कि प्रोग्राम्ड FI लिखा हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है। और इसमें आपको एक्स सेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसका जो माइलेज है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये लगभग आपका 65 से 70 KMPL ईजिली निकाल सकती है और अगर आप इसको अच्छे से थोड़ा चला लेते हो तो ये लगभग 75 KMPL का भी एवरेज ईजिली निकाल सकती है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्रोम का यूज़ किया गया है, ये इसका एग्जॉस्ट है। अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ और इसके बाद इस बाइक को हम चला के देखेंगे। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको बैक एंगल सेंसर देखने को मिलता है जिसके थ्रू अगर ये मोटरसाइकिल इन केस आपसे गिर जाती है या फॉल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जो कि अगेन बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स में दिया गया है। और अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो बाइक हमारी है न्यूट्रल पे एज़ यू कैन सी और दबाते हैं सेल्फ तो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गई है। और एग्जॉस्ट नोट आप सुनिए, बहुत ही सूदिंग एग्जॉस्ट नोट है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा यार ये जो ग्राफिक्स इसमें दिख रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लग रही है, मतलब एकदम फ्रेश सा लुक दे दिया है स्प्लेंडर को। और ये हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, आप खुद ही देखो यार कितना बढ़िया सा लुक लग रहा है इसका। और चलिए अब इसको फटाफट से चला के देखते हैं और आपको राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये ऑन रोड कितना बढ़िया चलती है और इसकी राइड क्वालिटी कैसी है। सो फ्रेंड्स चलते हैं बाइक की तरफ और अब इसको चला के देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है और राइड क्वालिटी है वो कैसी है। तो मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, बाइक स्टार्ट हो गई है और पहला गियर लगाते हैं और लेट्स गो। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। तो जो इसका इनिशियल पिकअप है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब कि आप इसमें अगर दो लोग भी बैठे हो या सिंगल चला रहे हो तो इसका जो पिकअप है वो बहुत बेहतरीन लगा है। और यहाँ पर मैं ब्रेक टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसकी जो ब्रेकिंग है जो ड्रम सेटअप के साथ ये मोटरसाइकिल आती है बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग इसमें फ़ील हुई मुझे। और IBS सिस्टम के साथ ये जो ब्रेकिंग है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसका जो इनिशियल है वो बहुत अच्छा है ही और साथ ही साथ जो इसका मिड रेंज है वो भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इस मोटरसाइकिल को चलाने में और पिकअप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बाइक एकदम ना फ्री होके चल रही थी। और टॉप एंड के बारे में बात करें तो टॉप एंड तो खैर इन मोटरसाइकिल्स के लिए नहीं बना होता है लेकिन अगर आप इसको टॉप एंड में लेके जाते हो तो इसमें आपको मिनिमल वाइब्रेशन फील होंगे। और जो इसकी रिफाइनमेंट के बारे में बात करें तो इसकी जो रिफाइनमेंट है इंजन की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, किसी भी तरह का अननेसेसरी साउंड वगैरह नहीं फील हो रहा था और ना ही इसमें आपको वाइब्रेशन फील होंगे। तो इंजन के मामले में इस मोटरसाइकिल का कोई भी जवाब नहीं है। और बात करें इसके गियरबॉक्स के बारे में तो इसमें आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है और जो इसका क्लच का पुल है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, कहीं भी आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको हील एंड टो शिफ्टर देखने को मिलता है, इसमें जो गियर हैं अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट बड़े ही आराम से हो जाते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ और प्रिसाइज रहते हैं इसके गियरबॉक्स। तो गियरिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील हुई। और इसके गियर रेशियो के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल 4th गियर में 20 की स्पीड से आराम से चलती है और आप उसी 20 स्पीड में चलते हुए अगर इसको एक्सेलरेट करते हो तो ये बड़े ही आराम से पुल कर देती है मोटरसाइकिल। तो इस वजह से इस मोटरसाइकिल को सिटी में यूज करना बेहद आसान हो जाता है और ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस मोटरसाइकिल में कि इसकी जो गियर रेशियोज़ हैं उस तरह से सेट किए गए हैं ताकि जो यूज़र है इसको बड़े ही आराम से चला सके, बार बार उसको गियर्स भी चेंज ना करने पड़े। और सीटिंग पोजीशन के बारे में बात करें गाइस तो इसमें जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा अपराइट है, हैंडल एकदम ऊपर की तरफ है और जो राइडिंग ट्रायंगल बनता है इसमें आप टोटली अपराइट बैठोगे जिसमें आपके रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह
कुछ भी नहीं होगा, बड़े ही कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए भी उतना ही कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल बनाई गई है। और साथ में इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि गड्ढे वगैरह और ब्रेकर वगैरह बड़े ही आराम से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको इवन फील भी नहीं होगा कि इतने ज़्यादा जग्स इसने अब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो इसकी जो राइड क्वालिटी है ओवरऑल अगर मैं कंफर्ट देखूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। और साथ में जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, वो मोर देन इनफ है इंडियन रोड्स के लिए। आराम से ये मोटरसाइकिल क्रॉस कर लेती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस मोटरसाइकिल के साथ। और गाइज माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें जो i3s टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो जब आप इस बाइक को न्यूट्रल में ट्रैफिक कंडीशन में अगर खड़ी कर देते हो तो ये कुछ सेकंड बाद बाइक ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक, और जैसे ही आप क्लच प्रेस करोगे तो उसकी वजह से ये तुरंत स्टार्ट हो जाती है और तुरंत आप चल सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल है और आपका काफ़ी फ्यूल सेव करती है। और इस तरह से अगर आप इसको बड़े ही आराम से चलाते हो, बड़े अच्छे से चलाते हो, ज़्यादा हास तरीके से नहीं चलाते हो, तो ये मोटरसाइकिल 75+ km/h का एवरेज ईजिली दे देती है। और बाइक चलाते वक्त जो इसका फर्स्ट इन सेगमेंट फुली डिजिटल कंसोल का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जो फर्स्ट इन सेगमेंट रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इस मोटरसाइकिल के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें कि ये मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा हीरो स्प्लेंडर प्लस बहुत ही आइकॉनिक मोटरसाइकिल है और ये मोटरसाइकिल जानी जाती है अपने ग्रेट रिलायबल इंजन के लिए और माइलेज के लिए। और हीरो का जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपको हर जगह ईजिली सर्विस नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। और ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस के साथ आती है, तो इसमें आपके जो है ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इस मोटरसाइकिल में हीरो मोटोकॉर्प ने जितने भी फीचर्स दिए हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं इन रियल लाइफ, ऐसे फीचर्स नहीं दिए हैं कि जो आप रियल लाइफ में यूज़ ना कर पाओ। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको 5 years की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस मोटरसाइकिल की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस मोटरसाइकिल को ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि ये मोटरसाइकिल है ही इतनी लेजेंड और भरोसेमंद। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑलवेज वियर अ हेलमेट एंड सेफ राइड।